आगे रखना है पीछे रखना है गाड़ी के पास। अच्छा देवेंद्र फडणवीस, ये देवेंद्र फडणवीस दिखाओ ना। देवेंद्र फडणवीस रास्ते में चलते हुए गोवा से यहाँ पहुंचे हैं, गोवा में प्रचार के लिए गए थे, गोवा चुनाव के लिए गोवा के चीफ मिनिस्टर भी यहाँ पर है, प्रमोद सावंत यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। चल आगे ले, आगे ले, ये ट्रक के पीछे रखो, ये ट्रक के पीछे रखना। चल 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 जल्दी घुमा, चल चल ले 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 ले, दबा 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 दबा, पीछे लेके ले ले, उसको ले 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 आगे ले। अरे उसके साथ नहीं, अरे उसके साथ नहीं, अरे इधर लेफ्ट में रखो ना भाई, सूरज इधर लेफ्ट में लो ना, उसके उधर अपना को ये क्या था? ले 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 आगे ले तो इसकी इसकी आगे रहो बस। हाँ ले चल बड़ा 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 साइड में निकाल साइड में बोलो ना उसको। अरे आराम आराम से ले, लेफ्टला चालव तो ना हळूहळू, कशाला ओरडताय? अरे उसको चिल्लाने दे, नहीं वो शायद उन लोगों ने किया रे, ये कोणी केला रे मोठा ट्रक? अरे वो शिवसेना वाले ने करके दिया हो, सोबत चल साथ चल। गाना बोला था आपने? आएगा आने वाला, पेन दीजिए मैं भी लिख लेता हूँ। मेरी आवाज की पहचान है, आएगा आने वाला, प्यार किया तो डरना क्या, दिल दीवाना बिन सजना। अरे की आगे कहानी है आपके पास? ऑलमोस्ट सबकी कोई ना कोई। तो पहला मैं आएगा आने वाला पूछता हूँ, दूसरा कौन सा कहा? मैं कहानियाँ बोलता थी, कोई पर्टिकुलर ये नहीं है, मतलब कि वो किस तरह से, जैसे वो जाती थी, उनकी पहली मुलाकात दिलीप साहब से कैसे हुई? अच्छा उनकी पहली मुलाकात दिलीप साहब से कैसे हुई? आहिस्ता 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 ह्याच्या मागे असणार आहे, ह्याच्या मागे ह्याच्या मागे। हा ये भाई चल भाई चल चल, हाँ त्याची स्पीड चलो, ये बोलो उसके पीछे है ना, उसके पीछे उसके पीछे। हाँ त्या गाडीच्या मागे, हाँ ये गाडी, हाँ हाँ
बात देखिए लाइफ क्या चल रहा है, लोग कुछ देख रहे खाना वाला। अरे सूरज तेरे को दिखाऊं क्या, तो बैठ जाओ ना। अरे पुणे चल, लेफ्ट में स्लो कर दे, लेफ्ट में स्लो कर दे, लेफ्ट में, लेफ्ट में स्लो कर दे। अपना फ्रेम जा रहा है क्या, देखिए लाइव। हाँ भाई जा रहा है। तुम्हारा फ्रेम चाहिए क्या? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। आप इस वक्त हम हाजी अली जंक्शन पे पहुंचे हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे हजारों की भीड़ में लोग दोनों सड़क की दोनों तरफ हैं। यहाँ पर किस तरह से जो फैन है लता मंगेशकर के, लता दीदी के फैन है, वो मोबाइल से उनकी आखिरी झलक कैप्चर करने कर रहे हैं। और यहाँ लगातार पुलिस भी हजारों के तादाद में है ताकि लोगों को सड़क से दूर रखा जा सके, सड़क खाली रहे और लता दीदी के पार्थिव शरीर को यहाँ से शिवाजी पार्क ले जाने में किसी भी तरह की ट्रैफिक से संबंधित कोई भी समस्या ना आए। आप देखिए यहाँ पे जितने भी मुंबई पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी हैं वो सारे जन इस प्रोटोकॉल में खड़े हैं, सभी यहाँ पर खड़े हैं ताकि जो भी सुरक्षाएं हैं उसको बारीकी से मॉनिटर किया जा सके। हमारे साथ हमारे सहयोगी विभा जी है, हम विभा जी से भी बात करेंगे। विभा जी आप देख रही हैं काफिला, ये लोगों का प्यार, करीब 30,000 गाने गाने वाली लता दीदी ने गाया है 10,000 पिक्चरों में, क्या कहेंगे आप? इनके लिए कुछ कहा नहीं जा सकता, जैसे कहते हैं ना मेरी आवाज ही पहचान है। आज आप अगर पीछे मुड़ के देखेंगे सारे कोई ना कोई हर आदमी एक गाना उनका गुनगुनाते हुए, उनको देखकर उनकी बॉडी जो उनका पार्थिव शरीर जो रखा गया है और उनकी फैमिली उनके साथ आ रही है, तो हर इंसान जो यहाँ पे है वो उन मोमेंट्स को कैच करना चाह रहा है, कैप्चर करना चाह रहा है। लता दीदी के साथ ऐसा माहौल बना था एक बारी, मतलब एक लकी हूँ मैं कि मैं आपका अनुभव भी रहा है, मतलब लता दीदी के साथ आप बिना कैमरे के भी बातचीत किए, लंबे समय तक बात की। एक बारी हम लोग कैमरे के साथ उनके घर पे बैठ के उनसे बातें करते थे, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर इतना गजब था, इतना गजब था कि वो हर एक बात को समझती थी और फिर इतने अच्छे अंदाज से उसको ये करती थी। म्यूजिक के लिए जो पैशन लता दीदी में था, जो सम्मान लता दीदी में था, वो शायद ही वो इसीलिए उनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भारत रत्न कहा जाता है। लता दीदी के साथ जब हम लोगों ने बात की तो वो अपने गानों के बारे में बहुत अक्सर चर्चा करती थी, एक्सपीरियंस के बारे में चर्चा करती थी कि कौन से गाना क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्योंकि टेक्नोलॉजी तब इतनी नहीं थी म्यूजिक की। मुझे याद है उन्होंने महल में एक जो गाना है आएगा आने वाला, उस गाने का जिक्र किया था और उन्होंने कहा कि आने आएगा आने वाला जो गाना है तो उसके आगे कुछ लाइंस गानी थी और वो एको में थी। अब उस टाइम पे तो उस तरह का ये नहीं था, म्यूजिक सिस्टम नहीं था कि आप उस तरह से रिकॉर्ड कर सके, तो उन्होंने दूर से आना पड़ा उन्हें गाते गाते ताकि वो फिर वो फाइनल टेक, और उस टेक उस वाले गाने में उन्होंने कहा कि कम से कम 30 टेक्स लिए होंगे उन्होंने, क्योंकि बिल्कुल पॉइंट पे आके, तो इतना पैशन उस चीज को लेकर वो म्यूजिक उन्होंने, हम जैसे हम सब जानते कि उन्होंने एक्टिंग भी की, एक्टिंग शायद हम लोग जब उनसे बात करते थे तो उन्होंने कहा कि एक्टिंग एक मजबूरी थी क्योंकि एक घर परिवार चलाना था, वही एक थी घर की जिनको पूरे परिवार को चलाना था, तो वो एक मजबूरी थी। मगर जिस दिन उनका प्लेबैक
का काम अच्छे से चलना शुरू हो गया, तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि थैंक यू कि अब मैं एक्टिंग मेकअप से उन्हें सख्त नफरत, उन्हें बिल्कुल मेकअप करना पसंद नहीं था। देखिए आप कह रही हैं कि मेकअप करना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था, यहाँ पर देखिए उनका पार्थिव कितनी बेहतरीन तरीके से सजाया है, उनका अंतिम संस्कार चंदन की लकड़ियों से किया जाएगा। अनुप जी आप दिखाइए कि किस तरह से लोगों की भीड़ यहाँ पर है, लोग देखना चाह रहे हैं, एक झलक देखना चाह रहे हैं लता दीदी को, कईयों ने तो लता दीदी को क्या गाड़ी पर चढ़ना चमक चमक चढ़ना वर्ती कमाया हुआ प्यार है। ये सभी सालों में कमाया हुआ प्यार। आपका कौन सा फेवरेट गाना है सूरज लता दीदी का? आज कोका कोला बेसिकली क्लाइम रिपोर्ट। ये लोग ना एक्टिंग वाले लोग हैं। ये लोग क्राइम रिपोर्टर, देखो बाइक चला रहे हैं। मैम बैठ जाइए, जब बैठ जाओ तुम भी बैठ, जब चालू होगा तो आप इधर दिखाओ ना, मेरे को भी दिखा दो। वाइट करेंगे तुम आ जाओ, अभी रुक जाओ, अभी बताऊंगा, बैठ जाओ। ये विजुअल पे हो रही है, वो मैं रखता हूँ, तुम बैठ जाओ, थोड़े जाओ ना, बैठ जाओ। नहीं ले सकता प्रोटोकॉल, मैम नौकरी निकाल देंगे। अरे एक झलक ना उसकी अंदर की होती है, बोला थोड़ा दबा दे और बाबू लेफ्ट में थोड़ा और रख दे। अपना कुछ है वहाँ होगा? अरे वो तो पीछे है एक, उसमें ट्रक में होगा ना, थोड़ा चलते रहे। सुन सूरज, वो ट्रक पीछे गया है, वो पीछे से मिलेगा, ये आगे से रखो, आगे ठीक है। चलते रहे बाबू, हाँ रुकना मत। चलते रहे लेकिन रुक मत।
गाड़ी भर कितना पीछे हो गया वो, अपने नहीं रुकना ऐसे चलते है। ये विजुअल भी अपने चल जाएगा, चलते रहो चलते रहो। सूरज नीचे बैठ जा, मुंडी आ रही है ऐसा। हाँ बस रोक मत तो हॉर्न देना, रोके जा तो लग जाए ऐसा। पुढ़े कशा थाम तो है, रुक जा। चलते रहो सर, अब देखना रास्ता कैसे बंद है। बोलो पत्रकार छोड़ दे, ऐसे फॉलो करते रहेंगे। हाँ राइडर बन जाओ राइडर। धूप आगे रखा है, दे दे मेरे को लाइव देना। दिलीप सावंत सबको भी डाले। When ma'am I was very young, very new, I was DCP हो गए थे, बहुत कुछ सिखाया। लॉ क्या होता है, सीसी लाइन पकड़ उसको बुद्धे को छोड़, मैं उसकी कान पर यहाँ पे बहुत सारे लोग जानते हैं। मैं जीवन में फाइट नहीं करता। बस चलते रहो रोको मत, चलते रहो। वो आ गया चलना, और आगे चल। हाँ डिस्टेंस मेंटेन रखता है, पीछे देख डिस्टेंस मेंटेन रखने का। ये तो अपन पीछे रह जाए, समझता नहीं तो मैं लाइव नहीं करता, क्योंकि मेरे शब्दों में तुम नहीं खेल सकते। जी प्रीति बता दूं, इस वक्त हम जो रेस कोर्स है वहीं तक पहुंचे हैं, काफिला काफी स्लो चल रहा है। आपको एक और चीज दिखाना चाहूंगा कि मुंबई में आज रविवार का दिन है, और देखिए किस तरह से यहाँ पे ट्रैफिक है। हर कोई रुक गया है, हर कोई थम गया है, ये सोच के कि उन्हें लता दी का एक झलक मिल जाए, लता दीदी की एक झलक के लिए यहाँ पर लाखों हजारों की भीड़ है। आप देखिए, आपको मैं विजुअल्स में दिखाना चाहूंगा कि लोगों के हाथ में लता दीदी के पोस्टर्स भी हैं, लोग लता दीदी के पोस्टर्स लेके चल रहे हैं, लोग पहना चला, लोग फूल फेंक रहे हैं लता जी पर, लता जी के इतने फैन है। ये देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं, हर कोई अंदाजा लगा सकता है कि लता दीदी ने क्या कमाया। ये लता दीदी की कमाई है जो आज उनके साथ चल रही है, उनके साथ एक एक कदम मिलाकर चल रही है लता दीदी। यहाँ पर देखिए लता दीदी के फैन हैं।
उतर 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 उतर। अरे लाइव है यार, जब तक ये युग रहेगा तब तक ये माता दीदी की यादें हमारे दिल में हमेशा रहेगी, क्योंकि इनके जैसी कोई गायिका न थी न कभी होगी हमारे दिलों में और हमारे गाने तो लाखों गीत हैं, पर मैं ये कहूंगा कि मेरी आवाज ही पहचान है, गर याद रहे ओ नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है, गर याद है। तो आपने देखा कि हम काफी करीब हैं, ये लता दीदी का पार्थिव शरीर आप देखिए इस सजी हुई गाड़ी में लेकर जाया जा रहा है, डिफेंस के लोग हैं ले जा रहे हैं, हमारे सहयोगी विभा जी हैं, विभा जी से हम बात करेंगे। विभा जी, आपने एक दशक से ज्यादा ABP News आपको रखे आगे।